और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल किया गया था संसद के भीतर भी और संसद के बाहर। एक मिनट पढ़ लीजिए, संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिये यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास। जी चुप चुप, बहुत दिखा लिया है। संसद भवन के भीतर संसद, अरे बहुत दिखा लिया। देखिए टीवी दिखा लिया, कोशिश करते हैं ये देखिए कि लगातार मनीष देखिए मैं समझ सकता हूँ, मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु हैं उनकी भी कोशिश है, मीडिया के तमाम साथी बंधुओं की कोशिश है कि वो भी दिखा। मैम प्लीज ओनली फॉर 30 सेकंड। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए इस वक्त जो चीज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ठीक यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल न केवल संसद परिसर में बल्कि सदन के भीतर किया गया था। सदन के भीतर जिस स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था ठीक वही सदन के भीतर जिसका इस्तेमाल किया गया था ठीक उसी स्मोक बम को इस वक्त आप टीवी 9 के कैमरे पर देख रहे हैं। ये वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल, आप सोचिए इतना बड़ा स्मोक बम अगर आप कहीं से जूते में लेकर जाए, पेंट में लेकर जाए, कैसे लेकर जा सकते हैं? क्योंकि आपको पार्लियामेंट की सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं। इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर लेकर चले जाते हैं, इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको माचिस चाहिए, अगर उसके बाद भी आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है, सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस तुमसे ना हो पाएगा। एक मिनट रुक जाइए, तो पल्लवी जी प्लीज सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।